बालोद से है खबर, जहां तेज रफ्तार बस पलटी है। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी घायल गुरूर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए हैं। तो बता दें, पुरूर गांव के पास ये हादसा हुआ। बालोद से खबर है, जहां तेज रफ्तार बस पलट गई और इस हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कार्यक्रम था यहाँ पे, इन लोग बल फुल करके जगह है और तरीका के वहाँ से इन लोग इधर आगे की ओर जा रहे थे, तो पुरूर चौकी है जो पुलिस सहायता केंद्र है उसके पहले यहाँ पे डिवाइडर से टकरा के पलट गई थी। उसमें 22-23 लोग घायल हुए हैं। करीब मैक्सिमम 90% लोग सामान्य छोटे हैं और कुछ 2-3 लोग गंभीर हैं। उनको जो प्राथमिक उपचार के लिए गुरूर शासकीय अस्पताल भेजा गया है और फर्दर इलाज किया जा रहा है और इसमें बाकायदा जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ FIR दर्ज किया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश चावला जुड़ गए हैं। राजेश, तेज रफ्तार बस पलटी है, घायलों की क्या स्थिति है, क्या जानकारी? जी, पहली बात बता दूं कि जो देर रात में है जो बस पलटी है, छठी कार्यक्रम आयोजित हुआ था धमतरी में, जहां से जो है बालोद जिले के खैरवही गांव के जो तकरीबन 35 लोग सवार होकर जो पहुंचे थे, देर रात को जब लौट रहे थे, इसी बीच में जो बस पलटी, तेज रफ्तार थी। इस तेज रफ्तार का नजारा इसलिए माना जा सकता है कि डिवाइडर से टकराने के बाद तकरीबन 200 मीटर तक जो है ये बस फिसलती गई और आगे गई। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों और वहां के जो पुलिस चौकी है उन लोगों ने वहां से तुरंत निकाला, क्योंकि चुप पुकार मच चुकी थी। इसके बाद जो है गुरूर, बालोद जिले का गुरूर है, वहां स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। तकरीबन जो 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल है, जिसमें 4 की हालत जो गंभीर बताई जा रही है। रात को चीख पुकार के बाद जो है बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी पहुंच गए थे और मामले की तस्दीक में जुटे हुए कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। जी रितु, बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो घायलों का उपचार जारी है, जिन्हें गुरूर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है।